गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेसेस एंड स्टडिंग हार्ड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर। द नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, means what type of a network design we want. Okay, like sometimes there is a network that through me everything is connected, I am the server and the things are connected from me. एक कंप्यूटर है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, वो डिजाइन है, या फिर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इज दिस अ डिजाइन। ओके, सो वी आर हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क architecture. One is peer to peer network and one is client server network. Okay, so let's study. There are two types of network architecture: peer to peer network and client server network. Okay, so let's come to peer to peer network. See, in this peer to peer network, what happens that there is no host computer, means koi host computer nahi hota. सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे कंप्यूटर्स। सी दीज ग्रीन लाइंस आर शोइंग दैट एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड यू आर हैविंग मेनी वेज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। और आपके पास बहुत सारे वेज हैं, आप एक दूसरे के थ्रू भेज सकते हैं, आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली ऑन हस हाउ वी आर सेंडिंग इट। ओके, एंड एवरी कंप्यूटर इज हैविंग अ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका एक मेन सर्वर होता है तो उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और बाकी नोड्स पर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट पीयर टू पीयर मॉडल में सारे कंप्यूटर्स पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बट इट वर्क वेल ओनली इन स्मॉल एनवायरनमेंट। ये स्मॉल एनवायरनमेंट में अच्छे से वर्क करता है, बिकॉज इफ यू वुड बी हैविंग अ वेरी बिग एनवायरनमेंट देन इट वुड बी अ कंफ्यूजन दैट विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीन हैंडल्ड बाय हूम। ओके, so now let's come to client server network. Client server network is a common one which is used everywhere. There is a server and other banks and clients are connected to it. Like आपका एक main headquarter होता है bank का, जहाँ पे आपका बहुत बड़ा server लगा होता है और बाकी आपकी पूरी India में उस bank के branches होते हैं। Like आप PNB, Axis Bank, ICICI Bank, किसी भी bank का example लो तो उसके हर जगह बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और सर्वर एक ही जगह होता है। ओके, सो इट इज अ मॉडल। आई होप दैट दीज टू मॉडल्स आर क्लियर टू यू। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट। टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट वायरलेस नेटवर्किंग। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट वायरलेस नेटवर्किंग, एनी नेटवर्किंग विच डजंट रिक्वायर्ड एनी वायर, जिसमें हमें किसी वायर की ना रिक्वायरमेंट ही नहीं होती और हमें कोई फिजिकल चीज नहीं चाहिए होती है। फिजिकल चीज मतलब जिसको हम टच कर सके। तो जब हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती है कनेक्शन करने के लिए तो उसे हम वायरलेस नेटवर्किंग बोलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। आज हम दो वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक होगी वाईफाई एंड द अनदर इज ब्लूटूथ। ओके, वाईफाई दीज डेज ड्यू टू कोविड एंड ऑल द थिंग्स ना वाईफाई इज वेरी कॉमन। ओके, सो सी दिस इज द सिंबल ऑफ अ वाईफाई। जब भी आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट होता है तो ऐसा सिंबल होता है जिसे आप ऑन करते हैं और वाईफाई सर्च करते हैं। ओके, वाईफाई इज अ मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आप अपने घर में आपने एक जगह राउटर लगाया है एंड इट इज कन्वर्टिंग द सिग्नल एंड आफ्टर दैट वॉट हैपन्स दैट यू डोंट नीड टू टेक द वायर एवरीवेयर। आप अपने फोन को हमेशा वायर से कनेक्ट करके तो नेटवर्क नहीं यूज कर सकते ना, बट आप उसके बाद घर में कहीं भी हो। ओके, सो यू कैन यूज इट। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड वी आर यूजिंग इट एंड इवन वी कैन ट्रांसफर द फाइल्स, वी कैन यूज वट एवर वी वॉन्ट टू। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज ऑल्सो बींग कॉमन। जब वाईफाई की इतनी फैसिलिटी नहीं थी या जब हमें फाइल्स ऐसे ट्रांसफर नहीं करनी आती थी तब हम जनरली ब्लूटूथ यूज करते थे फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए। वी यूज दैट ब्लूटूथ शुड बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स, बट द स्पीड वॉज लिटिल बिट स्लो। ओके, बट नाउ वी आर हैविंग मेनी ब्लूटूथ डिवाइसेज। लाइक सी माई दिस माउस इज अ ब्लूटूथ डिवाइस, इट इज नॉट हैविंग अ वायर इन इट, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। दिस इज अ स्मॉल डिवाइस विच इज हैविंग अ ब्लूटूथ चिप इन इट एंड इट इज कनेक्टेड विद माई माउस
I have just placed it in my laptop like this, and see, it has started working. So this is an example of a Bluetooth mouse. You are having Bluetooth earphones these days. You just need to put the band and you need to connect it through your laptop or your phones, and it would be working. You don't need to use wires. I just said you. But it has a capacity, means it has a particular capacity ki utne distance se zyada distance hoga to Bluetooth will not be working. The latest version of Bluetooth is 5.0. The latest version is 5.0. Okay. Now we would be studying about protocol. Protocol is a set of rules. Everything what you are using, you are going to the school, there are some set of rules which you need to follow. ओके जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं दैट योर कैमरा शुड नॉट बी क्लोज्ड यू शुड बी इन अ प्रॉपर वे द क्लासेस शुड बी प्रॉपर ओके सो एवरीवेयर व्हेनेवर यू गो वेयर एवर यू गो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स ओके लाइक यू आर गोइंग फॉर अ फ्लाइट यू आर हैविंग अ रूल दैट यू शुड हैव अ बोर्डिंग पास यू शुड हैव योर पासपोर्ट इफ यू आर गोइंग समवेयर आउट ओके टू डिफरेंट कंट्री So like whenever you are going somewhere else, you are having some set of rules. So the protocol is a set of rules that government has, that governments governs the communication between the computer on a network. मतलब जो हमें govern करते हैं, जो हमें बताते हैं कि network और computer में कैसा communication होना चाहिए. वो कुछ standard हैं. There are some standard and they are same everywhere. Okay, like HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a set that defines that web pages that data over the internet. Sometimes हम लोग ना unauthenticated page open कर लेते हैं. So there is a rule written that you don't need to open it. For hypertext transfer protocol secure means unauthorized access cannot be done. File transfer protocol that there is a rules that which files can be transferred, which can be downloaded, which can be uploaded. Some non-required files would not be done. Okay. TCP/IP is transmission control protocol, internet protocol. It is defines that the messages which are routed from one place to another are appropriate or not. Okay. Then POP3, Post Office Protocol version 3. Okay, that is a protocol sent for emails through email messages through an email server. That what kind of emails to be sent. Okay. Internet message access protocol. It is a email protocol that stores the email. Allows the user to view, access and manipulate. Means which data you can manipulate. आप change कर सकते हो, कौन सा access कर सकते हो और कौन सा सिर्फ देख सकते हो, okay? SMTP is a simple mail transfer protocol. It is an email protocol for sending the email messages across the internet. पूरे internet के through कहीं भी अपने messages भेजने के लिए क्या protocol use होती है? Please learn all the full forms and make sure that every word is clear to you and please be safe at home and study hard also thank you class and we will be continuing with a new chapter soon